डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह इक्वेशन क्या है। जैसे अगर मान मेरे पास है 2x + 3 = 0, तो यहां पे 2x + 3 = 0 है। अब हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं tan थीटा से। तो हम यहां पे x को tan थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये 2 tan थीटा + 3 = 0। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं dy dx से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 dy dx + 3 = 0। अब यहां पे गौर करो कि मेरे पास तीन चीजें बोर्ड पे लिखे हैं। एक है 2x + 3 = 0, एक है 2 tan थीटा + 3 = 0, और एक है 2 dy dx + 3 = 0। तो इन तीनों में ही इक्वालिटी है, तो इन तीनों में इक्वालिटी होने के वजह से ये इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन वर्ड जो है वो इक्वालिटी के वजह से आता है। यहां पे इक्वालिटी है इन तीनों में, इसलिए क्या कहलाएगा, इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि इस इक्वेशन में ये इक्वेशन किसके मदद से बन रहा है, एक्स के मदद से बन रहा है। ये इक्वेशन किसके मदद से बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन थीटा के मदद से बन रहा है। और ये इक्वेशन किसके मदद से बन रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy dx से बन रहा है। तो एक मोटा मोटी पहचानने का तरीका क्या है कि ये इक्वेशन अलजेब्रिक टर्म के मदद से बन रहा है, इसे ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बन रहा है, इसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और ये इक्वेशन dy dx के मदद से बन रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के मदद से बन रहा है, इसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर कोई पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे कि सर ये एक इक्वेशन है जो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के मदद से बनता है। लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, जैसे गौर करो वाई को हम क्या लिखते हैं कैलकुलस में, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है वो फंक्शन है एक्स का। तो वाई फंक्शन है एक्स का, तो ये y क्या हो गया, इस x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये y हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x हो गया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा गौर करना, इस इक्वेशन में गौर करो, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल का है। इसमें x और y का टर्म भी हो सकता है, मतलब कि y इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, वही इक्वेशन कहलाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, सबका जो पावर होना चाहिए, सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप लेगा। ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, मतलब ऑर्डर और डिग्री। तो देखो ऑर्डर और डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हम यहां पे बताने जा रहे हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर, फिर हम बताएंगे डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है। ध्यान दो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन हम लेते हैं, इक्वेशन हम लिए d2y dx² + 5 dy dx whole power 3 + 6y = 0। गौर करो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे गौर करो ये कैसे बन रहा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा,
ऑर्डर, जैसे तुम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हो हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर में क्या पढ़े हो कि एक बार डिफरेंशिएट करते तो सिंगल ऑर्डर कहते हैं, अगर दो या तीन बार डिफरेंशिएट करते तो वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर। मतलब ये हो गया कि ऑर्डर वर्ड जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन जितना बार हुआ है उसी से रिलेटेड क्या है तुम्हारा ऑर्डर था। तो ऑर्डर क्या होता है कि तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ही, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखो और तुम ही लोग सोचो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गौर करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, दो बार। यहां साफ दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, दो बार। तो इसलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टू। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर मतलब कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम वो जितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। यहां पे साफ दिख रहा है कि ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, टू। तो इसका ऑर्डर हो गया टू। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं कि तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का टर्म है उसका पावर क्या है, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर का टर्म होगा उसका जो पावर होगा वही ऑर्डर कहलाता है। यहां पे गौर करो, इसका पावर वन है, इसका पावर थ्री है, इसका पावर अगर हम देखें तो इसका पावर क्या है, वन। लेकिन इन तीनों में ये सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म यही है, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर क्या है, वन। तो इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा, इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, वन। तो डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं कि तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का डिग्री क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का डिग्री होगा वही उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अगर मानो मेरे पास है एक डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, यहां पे पावर हम लेते हैं टू और यहां पे हम पावर लेते हैं फोर प्लस सेवन डी वाई डी एक्स होल पे पावर टेन प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। गौर करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कोई भी बता सकता है कि ये मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, तीन बार। तो तीन बार डिफरेंशिएट हुआ इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो थ्री होगा। अब गौर करो डिग्री के लिए हमको क्या देखना कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट होने वाला टर्म ये है और इसका पावर क्या, फोर। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री हो गया वो किसके बराबर हो गया, फोर। तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, फोर। तो ये हो गया डिग्री और ये हो गया ऑर्डर, ये चीज क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि सर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में अप टू 11th और 12th। आगे जब हम दिखाएंगे गेट के लिए जब हम पढ़ाएंगे और आईएएस के लिए जब हम बताएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि इसमें तीन तरह का सॉल्यूशन मिलता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी फिलहाल हम दो चीज बताने जा रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट तीन चार वीडियो के बाद हम बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले गौर करना जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन हम उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं और उस तरह के इक्वेशन को कहेंगे जिसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो। जिस भी इक्वेशन में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा वही जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा, उतना ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा जितना तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे यहां पे तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, टू। तो टू ऑर्डर है मतलब कि इसके थ्रू जो सॉल्यूशन आएगा, इसके थ्रू जो कर्व आएगा, उसका वो जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगा वो टू होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन किया जाएगा।
मतलब कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें फिक्स कांस्टेंट रहेगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट रहेगा, 4 5 minus 6 minus 7, दीज आर व्हाट न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो जिस भी सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एब्सेंट रहे या जिस भी सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू हम असाइन करते हैं वो तुम्हारा कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कितने तरह का सॉल्यूशन होता है? दो तरह का। कौन कौन? एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा? जितना तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के वैल्यू को असाइन करते हैं या फिर जिस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है वही तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस किस टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली दो टाइप का प्रॉब्लम बनता है, केवल दो टाइप का प्रॉब्लम बनता है। एक टाइप का प्रॉब्लम है कि मेरे पास कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, उससे कहेगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे कहा जाएगा कि आप कर्व फॉर्म कीजिए। टाइप वन, टाइप वन में क्या होगा कि मेरे पास कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व, कर्व से हमको जाना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। और टाइप टू के प्रॉब्लम में क्या होगा? टाइप टू के प्रॉब्लम में कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, इससे कहा जाएगा कि आप कर्व में जाइए। किसमें जाइए? कर्व। गौर करना, कर्व टाइप वन के लिए, कर्व, कर्व क्या होता है? जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब क्या है? तुम्हारा कर्व। फंक्शन में भी तुम बहुत सारे ग्राफ को देखे हो, वो जितना भी ग्राफ तुम देखते हो वो सब किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइप वन में तुम्हारे पास कोई भी कर्व का इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि उस कर्व से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया वाई इक्वल टू एम एक्स, या एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, या एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन दे दिया और कह देगा कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए, जैसा कि अभी हम तुम लोगों को बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहे मतलब कि इधर dy dx का टर्म होना चाहिए, मतलब कि तुमको कर्व से dy dx के टर्म में मूव करना है। तो जब कर्व से dy dx के टर्म में मूव करना होगा मतलब साफ है कि तुमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे हम हेल्प लेते हैं किसका? तो डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। जब कभी भी हमको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना हो, जब कभी भी हमको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना हो तो हम हेल्प किस करेंगे? डिफरेंशिएशन का। अब इस यहां पे देखते हैं, यहां पे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उससे कहा जाएगा कि कर्व में कैसे जाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको किस में मूव करना? कर्व में मूव करना है, मतलब कि मेरे पास यहां पे dy dx का टर्म रहेगा, dy dx का टर्म रहेगा, इस dy dx से हमको मूव करना है कर्व में। कर्व में मूव करना मतलब y को mx में, या y square is equal to 4ax, ax square plus y square is equal to a square, या फिर different different type का जो function होता है उसमें मूव करना। तो quite obvious है कि जब हमको y को fx में मूव करना है तो गौर करो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हारे पास differential coefficient नहीं है, मतलब कि तुमको differential coefficient से क्या होना है? Independent होना। तो जब differential coefficient से independent होना होगा मतलब कि differential coefficient को हटाना होगा, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं और इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। तो आज ये पहला क्लास लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि टाइप वन के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम सोचेंगे कि ये टाइप वन के प्रॉब्लम को बना पाए, क्या तरीका होगा सोचने का, फिर कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या सोचते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। दैट्स इट। ठीक था।